देखो गाइस हमारा गुरुद्वारा कितना अच्छा लग रहा है, दिखाओ। देखो गाइस मतलब मेरे को मेरी ये ले 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 अरे ले सो हे गाइस की हाल चाल आज सारा नु बहुत बड़ी सत श्री अकाल, बहुत बहुत बड़ी सत श्री अकाल गाइस, क्योंकि आज सिखों के फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी का है बर्थडे। yes. और इसलिए लख लख बधाइयां तानू गुरु नानक जी दे प्रकाश पूर्व दियो। यस गाइस, तो आज हम जाएंगे गुरुद्वारे, कहां जाएंगे, कौन से वाले? पहले हम जाएंगे हमारे घर के सामने वाले गुरुद्वारे, वहां पे स्वीट्स लेके जाते हैं हम, और उसके बाद हम जाएंगे आई थिंक बंगला साहब गुरुद्वारे। हाँ बंगला साहब जाएंगे, लेकिन हम पहले बाहर से देखेंगे कि कितनी भीड़ है, क्योंकि गाइस गुनीत के साथ जाना और ऐसे कोविड के टाइम पे जाना इट्स नॉट सेफ। और वहाँ पे मैंने सुना है, अभी मेरे को कॉल आया था किसी का, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है, इवन कि लाइन्स जो हैं वो बाहर रोड तक लगी हुई हैं। तो गाइस अगर ऐसा सीन होगा, अब थोड़ा सा लेट हो गया है, हम नाइट में जा रहे हैं, तो अगर ऐसा सीन होगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, या फिर हम लोग देखेंगे वहाँ पे रकाबगंज साहिब भी है और भी गुरुद्वारे, हम लोग वहाँ पे कहीं पे चले जाएंगे, रजौरी गार्डन भी जा सकते हैं, वो गुरुद्वारे में कम वो होती है। राइट राइट। तो गाइस मैं बना रहा हूँ कॉफी, जाने से पहले हम पियेंगे कॉफी, क्योंकि कल हम जो गए थे ना ब्रॉडी की पार्टी पे, वहाँ पे इतनी थक गए कि आज हम दोपहर तक सोते रहे हैं। और ब्रॉडी की हालत देखो, ब्रॉडी की हालत दिखाओ क्या है। ब्रॉडी गाइस उठ ही नहीं रहा। ब्रॉडी गाइस कल से बहुत ज्यादा थका पड़ा है और ऐसे ही लेटा पड़ा है, अभी थोड़ी देर पहले ये वैसा वॉक पे होके आया। देखो और ये देखो ब्रॉडी का स्वेटर। और मैं आपको बताता हूँ गाइस कॉफी कैसे बनाता हूँ, मैंने पहले भी इस पे ब्लॉग बनाया था, मे बी किसी को। ये देखो हम थोड़ा सा लेते हैं पहले पानी, 1 स्पून, और उसके ऊपर ये डाल दी हमने 2 चम्मच कॉफी, और शुगर थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि कॉफी में गाइस थोड़ी शुगर ज़्यादा डलती है अकॉर्डिंग टू टी। अब हम इसको करेंगे मैश, ये देखो अब हम इसको ऐसे मैश करेंगे, और मैश करके गाइस जब ये इसका कलर थोड़ा वाइट जैसा हो जाएगा, क्रीमिश वाइट, उसके बाद फिर हम इसको यूज करते हैं फुल क्रीम मिल्क, उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कॉफ़ी, तो फुल क्रीम मिल्क में मैं इसको डाल दूंगा अकॉर्डिंग टू, नो वाटर, पानी नहीं मिलाता मैं उसमें, और उसके बाद हमारी कॉफी रेडी। और हमारे घर में हरप्रीत सबसे अच्छी कॉफी बनाते हैं। हाँ, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और देखो गाइस गुनीत क्या कर रही है, सुबह से टीवी देखी जा रही है। यस देखो भाई काम नहीं है गुनीत, चलो गुरुद्वारे नहीं जाना, जल्दी उठो, है के लिए नहीं जाना, उठो गुरुद्वारे जाना है। गुनीत ने क्या पहना, दिखाओ रेडियो पे बैठ गई है, दिखाओ दिखाती सूट बड़ी जल्दी दिख गया है, मैं नहीं दिख रही अच्छी। हाँ सतिंदर भी बहुत अच्छी लग रही है, ये देखो सतिंदर ने, ये देखो पता चलना चाहिए ना। हाँ गुरपुरब है, यस एक गलती है, पीछे देखो, अब ये कुछ ना कुछ गलतियां है, ये पीछे देखो क्या हुआ, इतना आगे देखो ओले, तो मेजरमेंट करके डालना चाहिए था तो भाई ये तो बहुत परफेक्शन वाली बात है, पता तो चल रहा है ना मेरी बेटी है। हाँ। एकदम परफेक्ट चीजें, परफेक्ट ब्लॉग, परफेक्ट एडिटिंग एंड परफेक्ट daughter and perfect dog, because you have perfect, because wife. I don't have perfect wife. Achha, achha, achha. I want to. What yes. You want? In you future, want? I want achha, perfect achha. Wife. perfect wife. In future, in future का मतलब next जन्म में यार, बत्तमीज जानवर वाले इंसानों हट जाओ, मार रहा हूँ मुझे। हरप्रीत को एक perfect punch. उत्तरी परफेक्ट पंच खिलाया नहीं आज लंच, दे ये परफेक्ट पंच, मेरा पंच ये देखो हमारा ब्रॉडी सोच रहा है करण कीड़े ने पागल हो गए ने अपना ही लड़न डे ने। अच्छा गाइस एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, देखना ब्रॉडी मैं ना इसको सतेंद्र को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करूंगा, और ब्रॉडी देखना सतेंद्र को बचाने आएगा, ये क्या बोलूं मैं इसको, ये सारी जिंदगी कुत्ता ही रहेगा ब्रॉडी, सारी जिंदगी ये कुत्ता रहेगा, ये पत्नी जानवर वाला इंसान है। अभी देखना मैं गुनीत को या इसको ऐसे करूंगा ना, ब्रॉडी मेरे को आके पकड़ता है, इनको कुछ नहीं कहता कभी। देखो गाइस अब मैं सतेंद्र को पकड़ूंगा, ब्रॉडी 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 ये कॉफी नहीं पीनी तू, मेनू को पकड़ रहा है, इन्हें पकड़, मेनू का कर ब्रॉडी, मेनू पकड़,
लेट लग गया उसका। देखो गाइस मतलब मेरे को जा मेरी वॉच एप्पल वॉच है ये ना कर सुनाना है एप्पल वॉच है गाइस एप्पल वॉच मेरे पास भी है करना और वहां जो एप्पल वॉच है ना हां वो बैटरी वीक रहती है किसकी मम्मा की कभी पांदी है नहीं एप्पल वॉच मेरे को भी है मेरी बेइज्जती करने में लगे रहते हैं पांदी कभी है नहीं एप्पल वॉच है ये वाला पंच पड़ेगा ये देखा गाइस आपने ब्रॉडी हमेशा मतलब इन दोनों की साइड लेता है मेरे को बोलना होता है बोलने नहीं देते हाय हाय बोलो ना फिर बोलो बोलो मैं बता रही थी पहले ना हरप्रीत मेरे पंच पे पड़ा वैसे वैसे खर्चे है नहीं मेनू बोलन देती और ब्लॉग च मैं नहीं बोलन देता हिसाब बराबर मैं बता रही थी हरप्रीत मेरे पंच का बड़ा मजाक उड़ाते थे छोटे होते नहीं हां पंच देखो पता कैसे बनाती दिखा फिंगर अंदर रख ऐसे पंच बनाती है हम ऐसे बनाते हैं पंच ये क्या कहते हैं हम मारो तो ये पंच ऐसे बनाती है मैं क्या किस दिन जोड़ दी किसी ने पंच मारा ना अपना अंगूठा टूट जाना है तो भाई चलो कॉफी बनाए हम लेट हो रहे हैं फटाफट निकले कॉफी पी के जल्दी बनाओ कॉफी हाँ बना रहे हैं जी हाँ जी ठीक है जी मैं वैसे भी अपने वास्ते बना रहा सर अच्छा कैंडल्स हम लेके जाने वाले हैं गुरुद्वारे साहिब बता दो कि हम पहले कौन सी पीते थे बूस्ट वाली ना हाँ बूस्ट वाली नहीं पता नहीं वो ब्रू ब्रू की पीते थे ब्रू और अब हम पीते हैं गोल्ड यस नेस्कैफे गोल्ड पीते हैं और ब्रॉडी कौन सी कॉफी पीता है और कोई खीर खाने में इंटरेस्टेड है नो अभी नहीं कॉफी खावा है खीर अच्छी पाता कॉफी चिप नहीं मैं टी कॉफी के साथ लोग इतना मीठा पसंद नहीं करते मैं तो खाती हूँ मुझे अच्छा तो खीर के साथ कॉफी भाई मीठा खा ले चल तू स्वीट खा ले कोई कॉफी के साथ वो खा ले खीर के साथ कॉफी कौन बदतमीज जानवर वाले इंसान सारे मेनू पल्ले पै गए बॉडू कल का छदमा उतरा नहीं गाइस कल ब्रॉडी का रूप अलग ही था आपने शायद देखा हाँ गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं ये वाला जो व्लॉग है ये गुरुपूरब के नेक्स्ट डे डलने वाला है क्योंकि गाइस अभी रात हो गई है ऑलरेडी और इसको पहले एडिट करूंगा मैं तो मैं भी कल डालूंगा इसको तो ध्यान रखना ये गुरुपूरब वाले दिन नहीं डलेगा उसके नेक्स्ट डे डलेगा तो कोई कमेंट करके ये मत बताना गुरुपूरब तो कल था अपने समझदार मत बनना ज्यादा अच्छा मैं आपको बता दूं हां बता दो हाँ। दिवाली थी हमने उसी दिन रब बनाया और उसके अगले दिन डाला हाँ। गुरुपूरब वाले दिन बनाया उसके अगले वाले दिन ने डाला हाँ, तो बच्चे ऐसे ही होगा ना अब हम लाइव तो डाल नहीं रहे कैसे करेंगे हाँ कल ब्रॉडी आया जब थक के वहाँ से अपनी पार्टी से तो खराटे मार रहा था आगे तो आज इसको मैच हो गई है कॉफी अब हम इसको डाल देते हैं दूध के अंदर और इसको हम बॉइल करके मिक्स कर देंगे और कॉफी हो जाएगी रेडी गर्मा गर्म कॉफी आला देखो बच्ची एकदम बाप पे गई है हाँ जी की बेच रहे हो तुसी भी बेच रहे हो कुछ की बेच रहे हो ए गर्मा गर्म ब्रॉडी ट्रीट बेच रही है मैं बेच रहा हूँ कॉफी तुसी रह गए नींद बेच चंडे आई राम तिखी आवाज सही है ना मंगेगी तो लोग पैसे जल्दी दे रहे लो जी कॉफी ले 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 ओ आपको तो नहीं मिला क्या बस हर दिन चढ़ती रहती है उन्हीं की क्या है जाने से पहले कैंडल खोल दी सारी ये बच्चे ऐसे ही होते हैं क्या बदतमीज जानवर वाले इंसान और एक बच्चा देखो हमारा कितना शरीफ है एक बच्चा तूफान और एक बच्चा सुनसान हम आ रहे हैं मट्टा टेक के ठीक है गुलद्वाले जा रहे हैं आप रेस्ट करो आराम से बैठो एक चीज करते हैं नंगे पैर चलते हैं पहले सामने वाले पे हुआते हैं ऐसे क्या लग रहा हूँ डाकिया डाकिया ये क्या बोल रही है डाकू डाकू हाँ डाकू क्यों लग रहा हूँ ये देखना जरा कह रही है मैं डाकिया क्यों लग रही हूँ डाकिया तो होता है पोस्टमैन चलो चलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बाबा जी करो मेहर मेहर करो बाबा जी ज्यादा ना करो देर छेती करो बाबा जी और चल ना फाइव लेते हैं हमेशा सिक्स लेके जाती है हाँ इसको एक अपने लिए खेलने के लिए चाहिए होती है चलो कोई नहीं ये देखो गाइस हमारा गुरुद्वारा कितना अच्छा लग रहा है दिखाओ
ये जब हम इस घर में आए थे ना, 4 years हो गए हमें, तो मैं पहले जिस दिन गुरपुरब था, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पे सामने हमारी बालकनी से दिखता है, पालकी सैप तैयार होती है, नगर कीर्तन निकलता था यहाँ से। इस बार कोरोना की वजह से नहीं निकला। और गुरपुरब में हमेशा सतेंद्र सेवा करती थी, झाड़ू की सेवा, यहाँ से पूरा झाड़ू लगाते हुए जाते थे। और पूरा सुबह 5 बजे से स्कूल के बच्चे सारे आ जाते थे। और सबसे मजेदार बात है, यहाँ से नगर कीर्तन जाता है और इधर से हमारे घर के दूसरी साइड से वापस आता है 11-12 बजे। बहुत मजा आता है। जब ट्रक तैयार हो रही होती है तो हम तभी तक नहीं सोए होते हैं, सुबह सोते हैं, फिर उसके बाद सोने को मिलता ही नहीं हमको। ये डाकिया की भी बात सुन लो। हाँ डाकिया, बोलो बोलो। भूल गया डाकिया। ऐसे तो पहुंच जाओगे कल तक आप। क्या कर रहे हो पुनीत? कैंडल तो बंद पड़ी हुई है। क्या हो गया? क्या हो गया तुम दोनों को? गाइस गुरुद्वारे होके आ गए हमारे घर के सामने वाले, ये देखो चेक होके आ गए। उसके बाद पता लगा, ये देखो जैटक, मेरी जैटक का क्या हाल है, जैकेट का क्या हाल है। और अब मैंने जैकेट चेंज करी है गाइस, पड़े पड़े हो गई है या पता नहीं कैसे हो गई है, या तो पहनने के बाद वो हो गई है। तो क्या है, आप बता नहीं सकते बाप की जैकेट फटी हुई है। इतना भी पेट नहीं आ गया मेरा। हम गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं, उस साइड सतेंद्र बैठी हुई, इस साइड मैं बैठा हुआ हूँ। जा रही है उसके पास, चलें। फिर इधर आ रही है हमारे पास, मेरे पास आ रही, चलें। फिर इधर जा रही है, चलें। हमने बैठने का मन कर रहा था दोनों का, वहां से लेके आ गई उठा के हमें। 10-15 मिनट बैठे हैं बस, ले आइए उठा के। 15 मिनट में 15 बार पूछा इसमें। आप सबको मैं गेम भी दिखाऊंगी जो इतने दिनों से ब्रॉडी मेरे साथ। दिस व्लॉग इज नॉट फॉर गेम्स पापा, प्लीज ना एक गेम दिखा। नो बेबी नो, यू कांट। पापा एक गेम। व्हाट गेम बेबी? वी डोंट हैव दैट मच टाइम। बस एक मिनट की गेम है, देखो। देख लो जी केड़ी गेम खड़ा रही, देख लो तुसी। मैं ये बंद कर दी, इसको बाद में बंद कर दूंगी। डैडी किसमें है? किसमें? इसमें। ए देख के पीछे तेज है, चीटिंग डॉग से चीटिंग, हमारे छोटे बाबू से भी चीटिंग। गाइस बोले सो निहाल शास्त्रीय का, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी फतेह। बाबा जी करो मेहर, मेहर करो बाबा जी, ज्यादा ना करो देर, छेती करो बाबा जी। गाइस हम लोग निकल गए हैं घर से। और बोलो बोलो गुनीत। जब सुबह करते थे ना तो यहाँ पे भी लाइट जलती थी, पर इस बार यहाँ पे नहीं लाइट लगी। हाँ ये पूरे पूरे एरिया में लाइट लगती थी, लेकिन कोरोना की ऐसी मार है, फिटे मुंह कोरोना था, मर जाए कितने जाके। फिटे मुंह कोरोना था। मैं बताऊँ कहाँ पे? हाँ नाली में मर जाए। बहुत ही ज्यादा रश है और इसलिए हम बाहर से ही मत्था टेक के वापस जा रहे हैं। बाहर से मत्था टेक रहे हैं, इवन के मतलब हम आपको बाहर से भी नहीं दिखा सकते गुरुद्वारा, क्योंकि गाइस गाड़ियां इतनी दूर तक खड़ी हैं, पूरा जाम लगा हुआ है। मुझे लग रहा है अगर हम वहां पे गए तो हम फंस जाएंगे, इसलिए गाइस हमने ऑलरेडी गुरुद्वारे में मत्था तो टेक ही लिया। बाबा जी सब जगह सेम ही है, तो अभी हम लोग यहाँ से यू टर्न मार के ये गोल मार्केट बंगला साहब के पास जो गोल चक्कर है वहाँ पे हम लोग गोल चक्कर यू टर्न मार के वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमने मुंह से निकाला था तो हमें था कि हम एक बार ट्राई तो डेफिनेटली करेंगे। गाइस देखो मैं और गुनीत पीछे हम दोनों खेल रहे हैं, और गाड़ी कौन चला रहा है? हमारा ड्राइवर। ये देखो हमारा ड्राइवर। हाँ, लाइटें किसने बंद की है? मैंने। अच्छा तो भाई मैंने लाइटें जलाई है उसके लिए, बंद करके बैठ गई है। अच्छा ये देखो हमारा ड्राइवर डरा पड़ा है। क्यों डरा पड़ा है? ये देखो रेड लाइट है, रेड लाइट। ये देखो जरा क्या कर रही है, चला ना जरा से। पहली बार चला रही गड्डी? नहीं
भाई ड्राइवर हमारा नौ से किया है, इसको चलाना नहीं आता कुछ। अब मोड़ दे, चल। नहीं मारो, नहीं मारो, अभी चल रहा है गाड़ी। रेड लाइट पे गाड़ी निकालने वाली थी, अभी चलाना जाता एक और हमारा, क्योंकि मेरा ब्लॉग में ध्यान चला गया था। चोरी, चप्पन चोरी, चप्पन चोरी, चप्पन चोरा, काला पियो वाला पापा कार आ गया। वेलकम तो कर दो पापा का। उत्तली उत्तली, पापा का वेलकम भी नहीं किया है। पापा का ऊपर आओ, ऊपर ऊपर आओ, इधर इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आए आ गए पापा, घर आ गए। पारी तो पारी पारी आए। हाँ जी, कौन है? सुगंधा कौर। डिलीवरी आई है, हमें एक प्यारा सा बच्चा लेके आया। बच्चा, बच्चा ले आए हो डिलीवरी में? हाँ, ये देखो ये बच्चा है। अभी सोफे के साथ इचिंग करेगा। ये देखो, दोबारा दोबारा दोबारा, रुक जाओ, ये देखो पूरा सोफा ही ला देता है हमारा।